नमस्कार, मैं हूं सुमित झा। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। शराब सेवन को समाज गैर जरूरी मानता है, इसे नैतिकता के दायरे में भी रखा जाता है। लेकिन विडंबना देखिए, शराब सरकार के लिए मोटी कमाई का भी जरिया है, और यही वजह है कि बिहार में सरकार शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए जुबानी तौर पर तैयार तो हो जाती है, लेकिन फैसले को लेकर फासले पर खड़ी नजर आती है। सियासत में बिहार की दरअसल यही विडंबना है। आज बड़ी बहस के दायरे में शराब और सरकार और सवाल। अक्सर आप किसी विज्ञापन के नीचे बहुत महीन शब्दों में लिखा देखते होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और वो टर्म्स एंड कंडीशन में ही उस विज्ञापन की पूरी कहानी छिपी होती है। ठीक उसी तर्ज पर बिहार में शराबबंदी की घोषणा के पीछे के टर्म एंड कंडीशन धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, और जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बहुत लोग जो कमाते हैं उसको शराब में गंवा रहे हैं, महिलाओं को कष्ट झेलना पड़ता है। अगर महिलाएं कमाती है तो उसका भी पैसा छीन कर लोग शराब पी लेते हैं, और जो पैसा वो अन्य कामों में अपने बच्चों के पोषण पर ध्यान देते, परिवार के बेहतरी पर ध्यान देते, वो पैसे का दुरुपयोग हो रहा उस राशि का। इसलिए महिलाएं परेशान हैं, गांव में रहने वाले गरीब लोगों की हालत ठीक नहीं है, तो उनकी स्थिति के मद्देनज़र महिलाओं का ख्याल करते हुए और गांव के गरीबों का ख्याल रखते हुए हम नीति बनाएंगे, और उसी के अनुरूप हम लोगों ने आज नीति का निर्धारण किया है, जिसे तत्काल प्रभाव से उस पर अमल और कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी, ताकि 1 अप्रैल 2016 से ये लागू हो जाए। और यही नहीं, शराब के खिलाफ एक सामाजिक अभियान भी हम लोग चलाएंगे, और उसके लिए भी पूरी योजना हम लोगों ने बनाई है। हमारे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षिकाएं, अन्य प्रकार के जो संगठन हैं, उन सबों को हम लोग शामिल करेंगे, जनप्रतिनिधियों को, सभी को शामिल करेंगे, और सबसे अपील करेंगे कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले। हमें मालूम है कि इस देश में अनेक जगहों पर शराबबंदी लागू करने का निर्णय हुआ, लेकिन वह प्रभावी नहीं हो पाया। हम इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहते हैं, इसलिए उसके हर आस्पेक्ट पर, हर पहलू पर हम लोगों ने गौर किया, तो इसे एक सामाजिक अभियान का, जन आंदोलन का रूप भी देंगे, और महिलाओं की स्थिति और उनकी मांग को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, तो सब अपनी भूमिका निभाएंगे। इस काम के लिए जिला स्तर पर DM और SP, जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से जवाबदेह होंगे। किसी भी हालत में अवैध शराब का धंधा नहीं होने दिया जाए, और इस बात को देखने के लिए वही जिम्मेवार होंगे, और इसमें पुलिस स्टेशंस की भी जिम्मेवारी तय की जा रही है, और इसके बारे में विस्तृत बातचीत हो गई है, तो और पूरा दिशा निर्देश और इस पूरे नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होगी, जिसमें DGP होंगे, विकास आयुक्त होंगे, और अन्य सभी विभागों के लोग जिनका इससे संबंध है। लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, और हमें लोगों की लत छुड़ाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर भी बनाना है, उसके लिए भी हम लोगों ने फैसला किया, और कल ही स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करके उनकी समीक्षा के दौरान हमने कहा है कि पूरी तैयारी कर लीजिए, तो डी एडिक्शन सेंटर भी चलाए जाएंगे, ताकि लोगों की लत भी छूटे तो हर प्रकार से। इसके लिए जो एनफोर्समेंट का काम है, उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट के एनफोर्समेंट विंग को और सशक्त बनाया जाएगा, उसके लिए जो उनको कार्मिकों की ज़रूरत है वह दिया जाएगा, और फिलहाल जब तक स्थायी तौर पर उनको नहीं मिलते हैं, पुलिस विभाग से भी उनको दिया जाएगा, अन्य जगहों से भी दिया जाएगा, और पुलिस की तो जवाबदेही होगी ही सब चीज़ों को देखना। और महिलाओं के लिए, महिलाओं के कहने पर जनहित में ये निर्णय लिया गया है
तो हमारी तो अपेक्षा है, और आवाज बुलंद करने वाली महिला तो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, तो हम उनका तो आह्वान करेंगे कि अब ये लागू करने में उनकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। इसे अभियान का रूप, कोई गड़बड़ कर रहा है, कोई अवैध धंधा कर रहा है तो तत्काल इसकी सूचना दीजिए और पूरे समूह में इकट्ठा होकर के उसको करने मत दीजिए। जहाँ जरूरत पड़े, भट्टी वट्टी कोई चलाना चाहता है तो हम तो कहेंगे कि उसको तोड़िए, और पुलिस वाले उनकी सहायता में पहुँचेंगे। यहाँ से डायल फ्री नंबर भी जारी किया जा रहा है और एक एक चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा कि उन्होंने अगर कोई फ़ोन किया तो पुलिस के लोग कितने समय में पहुँचे, ये सब सुनिश्चित किया जाएगा। अगर महिलाएं इस प्रकार से शराब बंदी के लिए और अवैध शराब के धंधे के खिलाफ कोई शिकायत करती हैं तो उसका रिस्पॉन्स टाइम न्यूनतम होगा। हम तो उसका लक्ष्य निर्धारित करने जा रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्स टाइम उतना ही होगा जितना थाना से उस जगह पर पहुंचने में समय लगे। तो हर लोगों को सचेत भी रहना है, ये सब काम होना है, और फिर सब लोगों का पूरे तौर पर मोबिलाइजेशन, जन चेतना, और हम सब लोगों से अपील करेंगे कि भाई इसमें सहयोग होना चाहिए, इसके इस पॉलिसी को सही ढंग से समझना चाहिए। और हम लोगों का लक्ष्य है पूर्ण मद्य निषेध, उसे प्राप्त करने के लिए हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। तो यह हमारा निर्णय है, यह हम लोगों का संकल्प है, और इस पर कर्म कसम एक एक कदम हम लोग बढ़ाएंगे इस प्रकार से कि प्रभावी ढंग से ये लागू हो जाए। मेरे ख्याल से संजीव जी, अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा, कोई आपके मन में शंका, हालांकि चरणबद्ध तरीके से जो पहले बात हो रही थी, उत्पाद मंत्री ने भी यही कहा कि चरणबद्ध तरीके से, लेकिन फिलहाल अभी देसी शराब पर बैन लगेगा, अंग्रेजी सरकार अपने कंट्रोल में रखेगी। संजीव जी, शंका की गुंजाइश के जो विषय पर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने सुना और इस विषय पर वो लगातार कहते आ रहे हैं, तो दो तीन विषय ध्यान देने की बातें हैं कि चरणबद्ध तरीके से बात कर रहे हैं, पर एक तरफ जो आप लोगों ने भी ध्यान आकृष्ट किया कि जो टेंडर मंगाया गया है तो केवल एक गोडाउन की खोज और दुकान के लिए नहीं, बल्कि पंचे स्तर पर टेंडर, छः टेंडर को एक बार निकाला गया, वाहन के लिए, ढुलाई के लिए, सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए भी, तो तीन चार प्रकार के जो टेंडर निकाले गए हैं, तो उससे स्पष्टतः मंशा क्या है वो भी लोगों को ध्यान में है कि केवल पाँच छः महीने के लिए केवल टेंडर नहीं निकाला जाता है, सितंबर तक की जब मानने की जब बात थी कि रोल बैक करने की बात है, पर वो भी ध्यान में बातें नहीं आ रही है। ये तो स्वागत योग्य कदम है, हम लोग तो बार बार पार्टी के दृष्टि से भी कहते रहे कि पूर्ण शराबबंदी करें, ये बहुत ही स्वागत योग्य का कदम है, और ये सर्वविदित है कि इस प्रकार से, जिस प्रकार से शराब के कारण देसी हो विदेशी हो, जिस प्रकार से नीचे तबके के लोग इसे प्रभावित होते हैं, वो तो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो बातें सबको ध्यान में है, जहन में है। आपको लगता है कि मोटी कमाई के चक्कर में ये फर्क अभी फिलहाल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो विदेशी शराब की जो विषय पर, और एक तरफ से देसी शराब के बोलते हैं कि नगर परिषद के दृष्टि से, नगर निगम के दृष्टि से, और सरकार इस देसी शराब को करने में और बिक्री केंद्र के केंद्र बिंदु बनना चाहती है, सरकार की योजना इस रूप में क्यों नहीं जाती है कि हम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाएंगे, बड़े बड़े वो करेंगे, वो अपने आप को नीति को इस रूप में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं कि हम ही बिक्री के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो इससे मंशा स्पष्ट होती है, सरकार को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि घोषणा तो कर दिए कि 4,000 करोड़ का लॉस होगा, पर उसके दृष्टि से कुछ तो बात ध्यान में रहे, तो उनको लगे कि भाई इससे मेरा मुनाफा का दृष्टिकोण साफ स्पष्टता दिखाई दे। ये मनसा पे जो प्रश्न चिन्ह है वो स्पष्टता है, समय आके सब कुछ समाज के सामने स्पष्ट होगा। पूर्ण शराबबंदी की घोषणा, लेकिन इस घोषणा के पीछे टर्म एंड कंडीशन टाइप की चीजें क्यों आ रही हैं कि अब चरणबद्ध तरीके से पहले फेज में देसी शराब, फिर विदेशी को सरकार बेचेगी, ये तमाम चीजें क्यों? सुमित जी, पहले तो ये जान लीजिए कि सरकार को धन्यवाद दीजिए। बिल्कुल सर, हम बहुत पहले सरकार देते रहे और मुख्यमंत्री जी ने एक कड़े फैसले जनहित में लिए हैं, और दूसरे पक्षों को आप देख रहे हैं, लेकिन एक पक्ष सबसे जो मजबूत पक्ष है, ये जिससे प्रभावित होती है जनता, खास करके गांव और गवें के लोग, टोलों के लोग होते हैं, जो गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, जो कामगार लोग हैं, चाहे किसी तरह का काम करता हो, मनरेगा में काम करता हो, रिक्शा चलाता हो, ठेला चलाता हो, जो पैसे कमाते हैं वो पैसे
उसको जो है ये लोग जाकर के शराब के दुकान पर दे आते हैं और सही माने में बच्चों के भरण पोषण पर चिंतन नहीं कर करके ज़्यादा चिंता शराब के प्रति हो जाती है। तो लक्ष्य सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 90% आबादी जो गाँव में रहती है, तो 80-90% आबादी जो गाँव में रहती है उन गाँवों के पकड़ से शराब दूर हो। तो यह अगर ये अभियान का पहला हिस्सा भी अगर आप मानते हैं चरणबद्ध का, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बिहार के लिए। दूसरी बात हम उस पर आ रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कई बाधाएं हैं इसमें, जो भी मान ली मार्च तक बहुत टेंडर है, तो सब चीजों को आप तकनीकी बिंदुओं को लीगल प्वाइंट को सबको ध्यान में रखते हुए राज्य की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी स्पष्ट तौर पर इन बातों को कहा कि प्रभावी ढंग से और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी, थानेदार से लेकर करके एसपी से लेकर कलेक्टर तक टोल फ्री नंबर तक की बात उन्होंने कर दी कि उसमें, और वह भी उन्होंने कह दिया कि जो गांव की दूरी थाने से है उतना समय एक समय सीमा फिक्स की जाएगी। हाँ। तो मेरा कहना है कि राज्य की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और राज्य की सरकार ने जो फैसले, अभी संजीव जी बोल रहे थे, आप तो रहे थे 7.5 साल, एक बार भी शराब के पक्ष में आप मैंने खिलाफ नहीं बोले। तो ये सरकार जो बनी है बड़ी दूरदर्शिता के साथ, इंटरेस्ट ऑफ द पीपुल, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इन सभी को ख्याल में रखते हुए। अंग्रेजी शराब पर फिर बैन कब होगा? मैं तो बता रहा हूँ, आप अभी टेंडर निकाल रहे हैं। अरे ऐसा है महोदय जी, किस मैं तो कह रहा हूँ नहीं, शराबबंदी की पूरी बात कर रहा हूँ ना जी, पहले बात को समझना होगा आप जी, बताइए सर। प्रथम फेज हो या लास्ट फेज हो, ये चरणबद्ध की बात, फेज की तो बात ही, अरे मैं बता रहा हूँ ना, शराब की बात आपने कब की? अरे मैं तो कह रहा हूँ शराबबंद की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा सवाल जो गांव और गवें टोलों और बसावटों से शराब की पकड़ की बात आपने नहीं कही थी, आपने कही थी, आपने प्राप्त कर लिया बिहार में पूरी शराबबंदी की बात कही थी। अब ये फेज वाइज की बात क्यों आ रही है? शराब हम बंद कर देंगे, शराब से प्रताड़ना के शिकार गांव के महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, उत्पीड़न के शिकार हैं, बर्तन तोड़े जाते हैं, चूल्हे फोड़े जाते हैं और घर से महिलाएं को वो अंग्रेजी पी लेंगे, बता रहा हूँ ना। वो पैसे की कीमत अगर लोग नहीं जानते हैं तो वो अंग्रेजी पीलेंगे, आप करेंगे तो मैं बता रहा हूँ, गांव से शहर, गांव पूर्ण कीजिए ना, अरे शराबबंदी कीजिए ना, अरे पूर्ण शराबबंदी के चरणबद्ध तरीके को प्रभावी ढंग से कैसे हो, चरणबद्ध तरीका तो आपने पहले नहीं बताया। सुमित जी, अरे तो शराबबंद अभी तक तो फैसले आए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अरे फैसले आने दीजिए ना। अब तो सीएम साहब ने कह दिया, सीएम साहब ने फैसला कहा ना, दूसरा कहा कि शराब बंदी के सवाल पर पूरे स्पष्ट है कि शराब बंद होगा और प्रभावी तरीके से होगा, जो इसके शिकार है उसे बचाओ। ये निर्णय को थोड़ा आधार इस बारे में जाना चाहिए कि आज के अगर पेपर में और इसमें दृष्टि से आप देखेंगे तो आज किन लोगों ने किनसे मिला, तो आज शराब व्यवसायियों ने किनसे मिला, ये सर्वविदित है कि माननीय लालू यादव जी से मिला। क्या निर्णय का आधार क्या हो सकता है, परिवर्तन के आधार क्या हो सकता है, ये बड़ा प्रश्न है सबके लिए, जनता से लेकर सबके लिए प्रश्न चिन्ह है कि किस निर्णय के आधार पर ये निर्णय लिया गया। तो जो आपने बोला कि वास्तव में टर्म्स एंड कंडीशन जो अप्लाई है और जो शराब कहाँ कहाँ होगी सप्लाई, जो शहर से लेकर गांव में नहीं जाएगी, इसका क्या प्रमाण है कि वो जो विदेशी शराब है वो गांव की ओर क्यों नहीं जाएगी? अवैध शराब के धंधे के जवाब जल्दी जल्दी सर बढ़ावा मिलेगा इसका सर जवाब सीधा एक है कि क्या आज 1 अप्रैल हो गया, अभी हम दिसंबर माह में हैं और 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी की योजना है और 1 अप्रैल के पहले हम चरणबद्ध तरीके से 1 अप्रैल तक सभी शराबों के बिक्री पर बंद करने की अगर सरकार की मानसा है, नीति है, उसके पहले सवाल उठाना कोई वाजिब नहीं। बयान को सुना नहीं आपने शायद, 1 अप्रैल से देसी शराब बंद होंगे, 1 अप्रैल से तो पहले कुछ भी बंद नहीं हो रहा है। देखिए मुख्यमंत्री, आप भी जान रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की चिंता स्पष्ट थी, 1 अप्रैल के बाद अंग्रेजी शराब सरकार बेचेगी। अवीन भी गुजरात में बंद है, पहले भी बिहार में एक बार बंद हुआ था, कई राज्य में बंद हुए थे, लेकिन आज भी वहाँ अवैध तरीके से शराब की कारोबारी हो रही है। नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे लेकिन पूर्णतः शराब पर पाबंदी करेंगे, इस बात का उल्लेख नीतीश कुमार ने कहा, यही तो, और ये कालाबाजारी दूसरे राज्य से नहीं आए, यूपी से नहीं आए, झारखंड से नहीं आए, इस सारे विषयों पर समीक्षा सरकार कर रही है। बार बार मैं टोक रहा हूँ,
मैं यही तो सवाल कर रहा हूं सर कि चरणबद्ध क्यों? अब चरणबद्ध का ये हिडन का टर्म कंडीशन कैसे आ गया? आपने तो कहा था 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी। 1 अप्रैल आ गया क्या? तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल आ गया, घोषणा कहां हो रही है? नीतीश कुमार ने सीएम नीतीश कह रहे हैं, ये हम बाद मंत्री कह रहे हैं, दिसंबर महीने में है, 4 महीना भी अप्रैल में बाकी है, हो गई ना। अगर उसके पहले हम चरणबद्ध तरीके से घोषणा करते करते 1 अप्रैल तक सरकार लागू करेगी, 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी होगी। सीएम नीतीश कह चुके हैं कि चरणबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके उत्पाद मंत्री कह रहे हैं 1 अप्रैल से सिर्फ देसी शराब और मसालेदार शराब पर हम बैन लगाएंगे, अंग्रेजी शराब को सरकार कंट्रोल में लेगी। तो फिर ये पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल से कहां हो रही है? सरकार की नीतियां तो आने दीजिए, शराब की नई नीतियां, तो सर उससे तब उसके ऊपर आप उंगली उठाइएगा कि सरकार ने क्या क्या, नीतीश जी ने क्या क्या, नीतीश जी ने घोषणा किया उस पर अमल कर रहे हैं। और आज लेटर नीतीश जी ने कहा, अब नई 24 तारीख को समीक्षा बैठक नीतीश कुमार जी ने कहा, और समीक्षा के बाद ये अगर कोई किसी तरह का विभाग के असर से पत्र निकले तो नीतीश कुमार जी शराबबंदी के खिलाफ तत्पर हैं और लोगों से आम आवाम से महिलाओं से विभाग से पत्र कैसे निकल गया? सरकार कुछ नहीं कह रही है, समीक्षा समीक्षा केवल एक विषय पर नहीं ना, वो सिक्योरिटी गार्ड से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सबके पत्र क्यों निकले? समीक्षा के बाद कोई निर्णय होगा सर, बिना तो निर्णय होने दीजिए सर, बिना निर्णय हुए लेटर कैसे निकल गए? अरे पत्र तो विभाग से निकलते रहते हैं, तो अगर निकला तो निरस्त होते हैं। पूर्ण शराबबंदी की नीतियां हैं, कोई अभी तो शराब पाबंदी नहीं है, और सरकार अपने में असमंजस में। सुमित जी, आपको मैंने पहले भी कहा और आज भी फिर कह रहा हूँ जी, शराब से जो सबसे ज्यादा शिकार गांव और गवाय के लोग जिन शराबों से हो रहे थे, और उस पर प्रतिबंध, और इन्होंने पूर्ण प्रतिबंध की बात कर दी है चरणबद्ध तरीके से, प्रभावी ढंगों से। तो हम हर पहलू को आप देखिए, आप लकीर के फकीर जो बन रहे हैं सर, लकीर के फकीर आपने बनाया था, मैं बनाया नहीं, लकीर के फकीर आपने कहा था कि हम पूर्ण शराबबंदी, शराबबंद हो ही जाना, हिडन टर्म कंडीशन निकाल रहे हैं, वो हिडन टर्म, और मुझे लकीर के फकीर कह रहे हैं। आप तो सुन तो लीजिए ना जी, आप सुन तो लीजिए, उसमें एक चीज ऐड करता हूं, आपने जो कहा गांव के लोग ज्यादा शिकार होते हैं, क्या गारंटी आप लेते हैं कि गांव के लोग अंग्रेजी शराब अगर बेचते हैं तो वो नहीं खरीदेंगे? आपने सुना नहीं क्या? आपने सुना नहीं क्या? तो उसके लिए जिम्मेवारी फिक्स है क्या? गांव के लोग अंग्रेजी शराब ना खरीदें, गांव में शराब जाएगी, बेचेंगे लोग नहीं खरीदेंगे, दुकान ही नहीं खुल पाएगी गांव में दुकान सर, नहीं खुलेगी, पंचायत में नहीं खुलेगी दुकान, पंचायत के लोग बाहर नहीं जाते हैं क्या? आप ऐसा प्रखंड में नहीं जाते हैं? सुन लीजिए ना, आप जो है कोई व्यक्ति जाके बॉम्बे में शराब पी ले, हरियाणा में पी ले, कोई ये सरकार क्या कर सकती है? प्रखंड की बात कर रहा हूं, सामाजिक चेतना जागृत तो ये देखना चाहिए, समाज क्यों महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया शराब खोलने के ऊपर क्यों आकर्षण दिखा रहे हैं कि निगम हर क्षण में हम ही खोलेंगे? सरकारी क्यों खोल रहे हैं भाई? आप 1 अप्रैल का इंतजार करिए ना, आप विदेशी शराब पर विशेष अगर चर्चा 1 अप्रैल तक का तो इंतजार करना चाहिए ना, चर्चा करिए कि आप लोग पूर्ण शराबबंदी को लेकर क्या योजना है, हो गांव के पकड़ से शराब दूर जाए 80% 90% लोगों के, गरीब लोग की अप्रोच में होता और महंगे शराब खरीदने के लिए उसको कंपनसेशन हो, जो बढ़िया। ये आपने नहीं कहा था सर, ये आपने नहीं कहा था, और आज भी मैं कह रहा हूं, आपने नहीं कहा था, नीतीश जी ने ये नहीं कहा था कि हम शहर में बेचेंगे और गांव में नहीं बेचेंगे। सुन तो ली, मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि हम शराब को जो है प्रभावी ढंग से चरणबद्ध तरीके से और इसको हर पहलू को, मुख्यमंत्री ये नहीं कहे कि हम चरणबद्ध तरीके से विदेशी शराब की बिक्री हम करेंगे। सर मैं भी चाहता हूं कि पूर्ण शराबबंदी कर दीजिए, आप घोषणा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं 1 अप्रैल से पूर्ण शराबबंदी कर रहे हैं, मंजस नहीं दिखना चाहिए, 1 अप्रैल से कर रहे हैं पूर्ण शराबबंदी, 1 अप्रैल से शराब पूर्णता बंदी पर सरकार तत्पर है, तत्पर है सर, होगी, आप कहिए, निश्चित होगी पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी सरकार करेगी, ठीक है। और मैं ये बयान रिकॉर्ड रखूंगा सर, 1 अप्रैल को हम आप मिलेंगे फिर, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं, हम भी चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी और इसका स्वागत मैं करूंगा, शराब को बिल्कुल, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आप देख रहे थे बड़ी बहस, नमस्कार।